दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अपने विधायकों को विधायकी के नियम कायदों का पाठ पढ़ाकर उन्हें अपडेट करना चाहती थी और इसके लिए विधायकों के लिए वर्कशॉप बुलाई गई। इसे संबोधित करने के लिए लोकसभा के स्पीकर पहुंची लेकिन इसमें पॉलिटिकल कलर्स सामने आ गए। आज दिल्ली विधानसभा में विधायकों को संविधान का पाठ पढ़ाने पहुंची सुमित्रा महाजन ने विधायकों को नियमों और कानून का पाठ तो पढ़ाया ही ठेठ राजनीतिक अंदाज में उन्हें नसीहत भी दी। दिल्ली का मुख्यमंत्री और इस देश का भी प्रधानमंत्री पहली बार, ये पहली बार विधानसभा के सदस्य, तो वो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने, ये भी अगर गलत नहीं हो तो स्थिति है, तो पहली बार का अनुभव दोनों का है और इसलिए अब ये संतुलन की बात तो दोनों को ही रखना है, अपने अपने हिस्से अच्छा रहेगा एक प्रकार से दोनों के लिए। दरअसल दिल्ली विधानसभा में दो दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जिसमें लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर टीचर की भूमिका निभाएंगे। ये विधानसभा के 70 विधायकों को संसदीय प्रणाली से जुड़े ज्ञान देंगे। ये आयोजन भी बहुत ऐतिहासिक है, पहली बार दिल्ली विधानसभा के 68 ऐसे विधायक हैं 70 में से जो लगभग पहली बार विधानसभा की कार्यवाहियों में शामिल हो रहे हैं। अगर 49 दिन की सरकार की पीरियड को छोड़ दिया जाए तो 68 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार हो रहे हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि दो दिन के सेशन में बहुत फायदा मिलेगा लोगों को। अब मैं उनके इशारे से निश्चित रूप से बहू की एक भूमिका जो रहती है घर में एडजस्टमेंट करने की, उस भूमिका की ओर भी इशारा किया है। आधुनिक सास को कैसा रहना चाहिए, पुरानी सास को छोड़ दें, ये चीज उन्होंने कही है कि दोनों पहली बार आए तो उसके भी भूमिका पर उन्होंने इशारा किया, लेकिन ससुर कौन है ये मैं समझ नहीं पाया। हालांकि कई नेताओं को लगता है कि सिर्फ संसदीय परंपरा और कानूनी दांवपेच जैसी बातें तब तक फायदेमंद साबित नहीं होंगी जब तक जनता के सेवक उन्हें आचरण में नहीं उतारेंगे। मैं यही कहूंगा कि संसदीय कार्यप्रणाली का एक सही मूर्त रूप आज लोकसभा अध्यक्ष जी के वक्तव्य से समक्ष सामने आया है और हम तो यही हमेशा दुआ करते हैं कि लोकतंत्र की तमाम परंपराएं, जो स्थापित परंपराएं हैं, उनका अनुपालन होना चाहिए और लोकतंत्र और मजबूत हो और हमारी संसदीय प्रणाली और मजबूत हो, ऐसे ही मनोस्थिति के साथ हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटों पर बहुमत इस विश्वास के साथ दिया था कि दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, लेकिन बार बार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच चल रही तल्खियां इस बात का सबूत है कि पार्टी सिर्फ राजनीति में घिरी हुई है। समय के लिए दिल्ली से पूनम मेहता द्विवेदी।